हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 7G का थर्ड क्वेश्चन से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 7G का इंट्रोडक्शन और सेकेंड क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ध्यान से एक एक बात को सुनिए, समझिए, ताकि सारी बातें समझ में आए, सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो सके। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ये सब क्वेश्चन हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोगों के बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी इस बुक में आगे वाले एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चंस को भी आप लोग देखिए और आगे आपके बुक में भी जो क्वेश्चन दिया वो आगे वाले चैप्टर में आएगा, आगे वाले एक्सरसाइज में, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है इस चैप्टर से संबंधित, तो हमारे बुक में इस तरह ये एक्सरसाइज दिया हुआ, आप लोगों का एक्सरसाइज अगले वाले में आएगा क्वेश्चन, तो इसको भी आप लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, रुपया 1250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखते हैं, ये देखिए ये दिया हुआ है जो रुपया, ये मूलधन दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे मूलधन को P लिखते हैं, तो P इक्वल लिख सकते हैं 1250 रुपया। दर को हम लोग R कहते हैं, R इक्वल देखिए दे दिया 4%, समय N इक्वल दे दिया 2 वर्ष। अब ध्यान क्या देना है, साधारण ब्याज अगर पूछता तो हम लोग मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बटे 100 लगा के साधारण ब्याज निकाल लेते, लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और हमने आप लोगों से बताया था चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं और कैसे उसको निकालते हैं। मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बटे 100 वाले फार्मूले से ही, साधारण ब्याज वाले फार्मूले से ही निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज इसमें करते हैं, 2 वर्ष 3 वर्ष जितना भी वर्ष दिया होगा हर बार एक एक वर्ष के लिए निकालेंगे, क्योंकि जो ब्याज आएगा उस पर भी ब्याज लगता है, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहले वर्ष के लिए ब्याज, इसी को साधारण ब्याज भी कहते हैं। तो पहले वर्ष के लिए हम लोग निकालेंगे, 2 वर्ष है तो 2 बार निकालना होगा, पहले वर्ष के लिए निकालेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, फार्मूला यही यूज करेंगे। मूलधन देखिए दिया हुआ है 1250 गुणे आर के जगह पर 4% गुणे, और एन देखिए 2 वर्ष हम लोग पहले वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, पहले मतलब 1 वर्ष, तो 1 लिखेंगे 2 नहीं, बस यही ध्यान देना है, और अपान में 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे। और देखिए इस यहां पर जो कट के छोटा होने वाला होगा तो उसको छोटा कर सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ये 2 से हम लोग काट सकते हैं इसको 2 बार में और 2 से इसको 5 बार में। फिर देखिए 5 से 125 को भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 5 से इसको 25 बार में कैंसिल कर लेंगे। तो देखिए यहां सारा कैंसिल हुआ, ऊपर 25 और 2 और 1 सबका गुणा है, तो 25 का 2 में गुणा करेंगे 50, 50 का 1 में गुणा करेंगे तो 50, ये क्या हो गया पहले वर्ष के लिए ब्याज इतना आया। हम लोग क्या निकालेंगे पहले वर्ष के लिए, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो हमको हर बार मिश्रधन निकालना होगा। मिश्रधन किसको कहते हैं, जो ब्याज और जो मूलधन होगा इसी को जोड़ के जो मिश्रधन आता है, मतलब देखिए हमारा पहले वर्ष के लिए ब्याज 50 रुपया निकला, अब दूसरे वर्ष के लिए जब हम लोग निकालेंगे वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, दूसरे वर्ष के लिए कितने पैसे पर निकालेंगे, 1250 ये रहेगा और 50 रुपया और तो हो जाएगा, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो हम लोग लिखेंगे मिश्रधन, और किसके लिए ये मिश्रधन है, पहले वर्ष के लिए ही, तो यहां लिख सकते हैं पहले वर्ष का मिश्रधन बराबर, पहले वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, यहां लिखेंगे मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन देखिए 1250 है और प्लस
ब्याज हमारा आया 50 रुपया, तो ये मिल के हो गया 1300 रुपया। ये हुआ पहले वर्ष का मिश्र धन। तो जो पहले वर्ष वाला मिश्र धन होगा इसी पर दूसरे वर्ष का फिर से ब्याज लगेगा, इस पूरे पर ब्याज, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगने को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, तो यहां एक बार लिख सकते हैं हम लोग पहले वर्ष का यही मिश्र धन है, तो यही क्या हो जाएगा दूसरे वर्ष का मूलधन। यहां एक बार लिख सकते हैं दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर यही 1300 रुपये। पहले वर्ष का जो मिश्र धन होगा अब इसी पर ब्याज लगेगा दूसरे वर्ष, तो यानी कि अब मूलधन ये कितना हो जाएगा हमारा, यही मूलधन हो जाएगा 1300 रुपये। अब हम लोग फिर से लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज बराबर, जैसे पहले वर्ष के लिए हमने निकाला तो अब दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे ब्याज बराबर, फार्मूला वही लगाएंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहां से देखेंगे मूलधन, देखिए दिया है कितना, अब ये मूलधन होगा 1300 गुणे आर वही है 4 ही%, तो 4% लिखेंगे 4 गुणे n। देखिए एक बार हमने एक वर्ष के लिए निकाला फिर एक से अब दूसरे वर्ष, तो ये नहीं कि दो वर्ष रखेंगे, एक ही वर्ष रखेंगे क्योंकि अब ये दूसरा वर्ष भी एक ही है, तो एक और बटे 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे। अब आगे यहां हम लोग लिखते हैं, देखिए 13 4 और 1 का गुणा करेंगे तो होगा, ये ब्याज बराबर हम लोग निकाल रहे हैं 52 हो जाएगा, 52 रुपये। अब देखिए दूसरे वर्ष का जो ब्याज आया वो आया 52 रुपये, तो हम लोग दूसरे वर्ष में अब देखेंगे मिश्र धन कितना हो रहा है, अब देखिए दूसरे वर्ष तक मिश्र धन कितना हो गया हमारा, ब्याज आया 52 रुपया और मूलधन कितना था यहां देखिए 1300 रुपया, तो हम लोग लिखेंगे 1300 मतलब 1300 और प्लस 52 रुपया फिर से ब्याज आया है, तो जब जोड़ेंगे इसको तो 1352 रुपये आ गए मिश्र धन। अब हमने दो वर्ष के लिए पूरा मिश्र धन निकाल लिया इतना, और हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, लिखेंगे इसलिए फार्मूला लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। अब देखिए टोटल दो वर्ष तक आके मिश्र धन हमारा आ गया है 1352 रुपये और माइनस अब मूलधन हमारा क्या था, अब ये मूलधन और नहीं लेंगे हम लोग, जो शुरू में हमारा मूलधन रहेगा 1250 रुपये, इसी को घटा के देखेंगे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, देखिए घटाएंगे तो 102 रुपये यही आंसर हो जाएगा, यही चक्रवृद्धि ब्याज निकला। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है साधारण ब्याज के फार्मूले का यूज करके। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया, रुपया 2400 के ऋण को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चुकता किया गया, देय चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, वही कहा है इतने रुपए के ऋण को, मान लीजिए इतना किसी से उधार लिया गया है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिया गया है, तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, कितना देना होगा, तो वही निकालना हमको फिर से चक्रवृद्धि ब्याज। यहां लिखेंगे पी कल 2400 रुपये, आर इक्वल 10%, एन इक्वल
दो वर्ष, हम लोग एक वर्ष के लिए पहले निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, लिखेंगे पहले वर्ष के लिए ब्याज, ब्याज हम लोग निकालेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला में हम लिखते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय के लिए एक लिखेंगे, क्योंकि एक वर्ष का हम लोग निकालेंगे अलग अलग करके चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालना होगा, तो अपान में 100 लिखेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और 24 और 10 और एक का गुणा करेंगे तो 240 रुपए पहले वर्ष के लिए हो जाएगा ब्याज। हम लोग पहले वर्ष का मिश्र धन निकाल लेते हैं, पहले वर्ष का मिश्र धन बराबर लिखेंगे ये मूलधन और प्लस ये ब्याज जुड़ के हो जाएगा 2640 रुपए, ये हमारा हो गया पहले वर्ष का मिश्र धन। अब यही दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, मूलधन होगा, तो यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं बराबर दूसरे वर्ष का मूलधन, हमने अलग में न लिख के यहीं पर लिख लिया, यही पहले वर्ष का जो मिश्र धन है दूसरे वर्ष का मूलधन होगा। अब हम लोग दूसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर वही फार्मूला लगाएंगे मूलधन, तो मूलधन हमारा अब इतना हो जाएगा गुड़े दर वही है 10% गुड़े समय फिर से एक वर्ष का निकालना है दूसरे वर्ष का ब्याज बटे 100 करेंगे, देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर लेंगे, उसके बाद देखिए 264 एक और एक का गुणा करना है तो 264 ही रहेगा, हम लोग यहां लिख सकते हैं 264 रुपए। अब देखिए तो हम लोग दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे, दूसरे वर्ष के अंत में लिख सकते हैं, मतलब दूसरे वर्ष में मिश्र धन, अंत में मिश्र धन मतलब दूसरा वर्ष अब खत्म हो गया तो मिश्र धन हमारा कितना हो गया ये निकाल रहे हैं, तो मूलधन हमारा था देखिए 2640 और प्लस ये आया है 264 रुपए, इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो देखिए ₹2904 ये हमारे हो गए क्या दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन। अब हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो फार्मूला लिखेंगे इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन देखिए हमारा आया इतना और माइनस मूलधन जो हमारा शुरू में था इतना था, घटाएंगे तो 504 रुपए यही आंसर हो जाएंगे, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यही देय चक्रवृद्धि ब्याज है, इतना वापस करना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने समय बचाने के लिए ये सब सारा लिख दिया हुआ, आप लोगों को समझने में भी आसान होगा। देखिए कैसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो पहले वर्ष के लिए हम लोग ब्याज निकालेंगे, फिर पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन निकालेंगे, वही दूसरे वर्ष का मूलधन होगा, फिर दूसरे वर्ष के लिए ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन, तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमको निकालना है, और फिर साधारण ब्याज भी निकालना है। तो हम लोग देखते हैं पहले वर्ष के लिए जब ब्याज निकालेंगे हम लोग, तो देखिए लिखेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय हमेशा एक ही लिखेंगे, एक वर्ष के लिए निकालेंगे और अपान में 100, देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करेंगे, 40 10 और एक का जब गुणा करेंगे तो 400 रुपए ये हो जाएंगे हमारा क्या पहले वर्ष के लिए ब्याज। पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन निकालेंगे, मिश्र धन आप लोग जानते हैं कि मूलधन और प्लस ब्याज कर लेते हैं, तो देखिए 4000 में जब 400 जोड़ेंगे
तो 4400 रुपये ये हो जाएंगे हमारे मिश्र धन। अब हम लोग यही जो मिश्र धन आया पहले वर्ष के अंत में, यही दूसरे वर्ष का मूलधन होगा, तो हम लोग यही बराबर करके लिख लेते हैं दूसरे वर्ष का मूलधन, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये जगह बचाने के लिए हमने ऐसे लिख दिया। देखिए पहले वर्ष के अंत में जो मिश्र धन आया बराबर दूसरे वर्ष का मूलधन, यही दूसरे वर्ष का मूलधन होगा। हम लोग दूसरे वर्ष के लिए ब्याज जब निकालेंगे तो मूलधन इसको लेते हैं, मूलधन गुणे दर वही है, गुणे समय हमेशा एक वर्ष के लिए निकालेंगे और अपान में 100, दो जीरो से देखिए दो जीरो कैंसिल कर लेंगे और गुणा करते हैं 44 10 और 1 का, तो 440 रुपये हो जाएंगे। ये दूसरे वर्ष के लिए ब्याज हो गया। दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना होगा, दूसरे वर्ष का मूलधन देखिए यहाँ है, तो इसमें प्लस कर लेंगे इसको, तो यही हमारा दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन होगा। तो इतने रुपए हो गए दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, और यही बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यही क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन है जो वही तीसरे वर्ष का मूलधन होगा, बराबर तीसरे वर्ष का मूलधन। तो तीसरे वर्ष का यही मूलधन हो गया, आप तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो मूलधन ये है, मूलधन गुड़े दर वही है, गुड़े समय हमेशा एक वर्ष और बटे 100 करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इसका गुणा करेंगे जब, तो 484 रुपये होंगे। अब देखिए तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन निकालेंगे, ब्याज इतना आया मूलधन इतना है, तो हम लोग लिखेंगे 4840 प्लस 484 बराबर, देखते हैं कितना आया, ₹5324 तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो कुल मिश्र धन में से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कुल मिश्र धन में से हम लोग माइनस करते हैं जो हमारा मूलधन होता है, मूलधन हमारा ₹4000 है, तो 4000 को इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे, 4000 जब इसमें से माइनस करेंगे तो 1324 रुपए ये आ गए हमारे चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम लोग यहाँ पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और तीन वर्ष का साधारण ब्याज में अंतर, हम लोग निकालेंगे तीन वर्ष का साधारण ब्याज, यहां लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन, देखिए मूलधन है 4000 गुणे दर 10 गुणे समय, जब भी साधारण ब्याज निकालेंगे तीन वर्ष का है तो पूरा तीन वर्ष लेंगे और अपान में 100 करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर लेंगे, 40 10 और 3 का गुणा करना है, तो 1200 रुपए हो जाएंगे साधारण ब्याज। हमको बताना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताना, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है 1324 माइनस साधारण ब्याज है 1200, तो जब घटाएंगे तो 124 रुपए, यही आंसर हो जाएंगे, दोनों का अंतर पूछा था। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगले पार्ट में आप लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे।